अहमदनगर पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। कई मायनों में महाराष्ट्र का ये सबसे उन्नत जिला है। इसमें चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या है। एशिया का प्रथम सहकारी चीनी कारखाना प्रवरा नगर में स्थापित किया गया था और इसी के सहयोग के माध्यम से ग्राम समृद्धि का संदेश इसने देश को आधी सदी पहले दिया था। आदर्श ग्राम कहे जाने वाले रालेगांव सिद्धि में जल संरक्षण कार्य का रोल मॉडल देखा जा सकता है। नेवा से जहां ज्ञानेश्वरी लिखी गई, श्री साई बाबा की शिरडी, प्रसिद्ध कनिफनाथ मंदिर, सिद्धटेक भक्तों को आकर्षित करती है। भंडारदरा बांध, हरीशचंद्रगढ़ किला, चांद बीबी पैलेस पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। इस ऐतिहासिक विरासत वाले जिले में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अथक प्रयासों से सड़क परिवहन की काफी सारी परियोजनाएं आकार ले रही हैं। श्री गडकरी जी का हमेशा ये मानना रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़कों का बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि 70% वस्तुओं का परिवहन और 90% यात्रियों का आवागमन सड़कों के माध्यम से होता है। आज उन्हीं के शुभ कर कमलों द्वारा राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रों के महानुभावों की उपस्थिति में इन योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। आज जिन परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है वो इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय महामार्ग 160 के सावली विहिर के अहमदनगर बाईपास तक की भारतमाला योजना तहत सड़क का पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन करण तथा उन्नयन करना, लंबाई 75 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 496 करोड़ रुपए। कर्नाटक राज्य की ओर जाने वाली इस सड़क से तीर्थ स्थल शिरडी और पंढरपुर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। राष्ट्रीय महामार्ग 516A के अहमदनगर से घोगर गांव तक की भारतमाला योजना तहत सड़क का 4-लेन करण करना, पैकेज 1 की इस योजना की लंबाई 39 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 981 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय महामार्ग 516A के घोगर गांव से चापड़ गांव तक की भारतमाला योजना तहत सड़क का 4-लेन करण करना, पैकेज 2 की इस योजना की लंबाई 41 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 1031 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय महामार्ग 61 पुराना नेशनल हाईवे 222 पर कल्याण अहमदनगर नांदेड़ सड़क का और भिंगार शहरी इलाके का सुदृढ़ीकरण करना, कुल लंबाई 19 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 35 करोड़ रुपए। इस परियोजना से तेलंगाना राज्य की यातायात को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय महामार्ग 548D के नावरा काष्टी जामखेड़ सड़क का 132 किलोमीटर से 195 किलोमीटर आढ़ल गांव से जामखेड़ सड़क का पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन करण तथा उन्नयन करना, लंबाई 63 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 399 करोड़ रुपए। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा अहमदनगर जिले के करजत, श्रीगोंदा, पारनेर, अकोले, कोपरगांव, संगमनेर, राहुरी, नेवासा, शेवगांव और पाथरडी तालुका में 14 सड़कों का उन्नयन, कुल लंबाई 79 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 85 करोड़ रुपए। कुल 316 किलोमीटर लंबी इन परियोजनाओं के लिए 3028 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। इनमें से जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वह इस प्रकार हैं: NH 160 के अहमदनगर दौंड वासुंदे फाटा सेक्शन का निर्माण करना, इसकी कुल लंबाई 93 किलोमीटर है और लागत मूल्य 995 करोड़ रुपए है। ये सड़क महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले से कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में जा रही है। NH 561 के अहमदनगर जामखेड़ सेक्शन का निर्माण करना, इसकी कुल लंबाई 51 किलोमीटर है और लागत मूल्य 35 करोड़ रुपए है। NH 160D के नांदुर शिगोटे लोनी कोल्हार सेक्शन का निर्माण करना, इसकी कुल लंबाई 39 किलोमीटर है और लागत मूल्य 30 करोड़ रुपए है। NH 752I के कोपरगांव, वैजापुर, औरंगाबाद सेक्शन का निर्माण करना, इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर है और लागत मूल्य 18 करोड़ रुपए है। NH 160B के झगड़े फाटा, उन्तांबा फाटा, कोपरगांव सेक्शन का निर्माण करना,
इसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर है और लागत मूल्य 7 करोड़ रुपए है। कुल 210 किलोमीटर लंबी इन 5 परियोजनाओं के लिए 1046 करोड़ रुपए राशि का आवंटन हुआ है। इन पूर्ण हुई 5 परियोजनाओं का आज केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के शुभकर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण होने जा रहा है। NHAI द्वारा अहमदनगर में जिन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पथ पर है वे इस प्रकार हैं। माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से अहमदनगर शहर में स्टेशन रोड पर यातायात में सुधार लाने हेतु 347 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य मेसर्स दिनेश चंद्र अग्रवाल अहमदनगर कंपनी द्वारा प्रगति पथ पर है। अहमदनगर शहर में 5 प्रमुख नेशनल हाईवे से आने वाली यातायात को बाहर से निकालने के लिए 40 किलोमीटर लंबाई का 4 लेन बाईपास का काम मेसर्स GHV कंपनी द्वारा प्रगति पथ पर है। इस प्रकल्प की कुल लागत 961.32 करोड़ रुपए है। अपनी असीम इच्छा और निरंतर कार्य करने की क्षमता से श्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र तथा संपूर्ण देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा बदल दी है। उन्हीं के भरसक प्रयास से अहमदनगर शहर तथा जिले में चल रही इन सड़क परियोजनाओं से पूरे क्षेत्र में आवागमन और विकास की पद्धति में बदलाव होगा। यातायात में कम समय लगने से उत्पादकता बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की कुल आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाना संभव होगा। अहमदनगर शहर तथा जिले में ट्रैफिक जाम की समस्याओं से ग्रसित लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही समय और ईंधन की बचत भी होगी। अपने काम से जाने जाने वाले श्री नितिन गडकरी जी के इस शानदार उपहार से अहमदनगर वासियों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।